दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी एक एंटी सीडी मालगाड़ी के वैगन से धुआं उठते देख रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बड़ी संख्या में लोग और रेलवे अधिकारी मौके पर जमा हो गए। वैगन को मालगाड़ी से काट कर यार्ड लाइन पर लाया गया। यहां ओएचआई लाइन की बिजली सप्लाई बंद कर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मालगाड़ी करीब 2 घंटे तक खड़ी रही और इस दौरान डाउन लाइन पर रेल यातायात बाधित रहा। गनीमत यह रही कि समय रहते आग का पता लग गया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। जैसे ही गाड़ी आई, मैं गाड़ी चेक कर रहा था और इंजन के पिछले वाली गाड़ी में धुआं दिखाई दिया। मैंने डिप्टी एसएस गंगापुर को नोट कराया, कोटा टीएलसी को भी नोट कराया। उसके बाद गाड़ी को काट के यार्ड में ले जाया गया और यार्ड में फायर ब्रिगेड बुला के और आग को बुझाई गई। अब ट्रेन को आप ले जा रहे हो? हाँ, अब इसी ट्रेन को लेके जाएंगे हम। क्या नाम है सर अपना? प्रहलाद सिंह मीना, लोकल पायलट गंगापुर। बांदा के बबेरू कस्बे में तेज बरसात थमने के बाद कच्चे मकान गिरने का सिलसिला चालू हो गया है। आज एक महिला का मकान भरभरा कर गिर गया। जिस महिला का मकान गिरा है, उसका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फार्म भी भरवाया गया था, लेकिन आज तक महिला को आवास ही नहीं मिल पाया है। मेरा नाम पुरुषोत्तम विश्वकर्मा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत क्या है, यहाँ पानी भरा रहता है, पानी निकलने की जगह नहीं है, प्रधान मिट्टी नहीं डलवा रहा है। बार बार प्रधान के पास जाते हैं, एक बार वहाँ भी गए, तहसील भी गए, वहाँ भी शिकायत लिख के दी, लेकिन कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। क्या अभी तक कोई नेता आया हो गया? जो आते हैं सब वादे करके चले जाते हैं। नेता क्या है, हम लोगों के लिए नेता होते हैं क्या? बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए नेता होते हैं, गरीबों के लिए कोई नहीं। यहाँ तो फिर परेशानी होती है। यहाँ देख लीजिए, आपके सामने ये पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल ले जाना है, आना है जाना है, बड़ी दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम विश्वकर्मा है। ठीक, कौन सा मोहल्ला है ये? अम्बेडकर नगर है, होरन रोड। ठीक, क्या नाम है आपका? मनोज देव। कौन सा मोहल्ला है ये? ये मोहल्ला है अम्बेडकर नगर ग्राम। यहाँ पर निकालने में क्या दिक्कत होती है? यहाँ पर निकलने में ये दिक्कत है कि यहाँ कीचड़ और पानी भरा रहता है हर समय। मान लीजिए यहाँ कपड़े ये तो सिकोड़ के चलो या तो कपड़े भिगो के चलो, और यहाँ बारिश हो जाती है तो घरों में घुसता है। जब यहाँ ज्यादा बारिश होती है तो जो यहाँ के मकान है वो सब पानी से पूरी तरह से भर जाते हैं। खाना बनाने में दिक्कत होती है और यहाँ मान लो हर तरह की परेशानियाँ हैं और पानी काफी दिनों तक जमा रहता है, कम से कम लगभग 1-2 महीने तक यहाँ जमा ही रहता है। क्या यहाँ पर इस बीच में कोई नेता नहीं आता? यहाँ पर नेता यहाँ तमाम आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, कोई उनकी सच्चाई नहीं मिलती जिस तरह मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनोज देवी। ग्वालियर के नर्सिंग छात्र संगठन ने पुतला दहन कर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि नर्सिंग छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु पांडे के नेतृत्व में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने पुतला दहन किया। इस दौरान अस्थाई रजिस्ट्रार को पद से हटाने की मुख्य मांग की गई। मेरा नाम राजीव रंजन है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। अच्छा, तो सर यहाँ का जो सिस्टम था पहले INC के अकॉर्डिंग हम लोग का कॉलेज सही चल रहा था, लेकिन जो नए रजिस्ट्रार ने बने तो उन्होंने सर मान्यता को रद्द कर दी गई है। वो अपने शासन चला रहे हैं, तनाशाही कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, फार्मर है उनके पिता, लेकिन बहुत कैसे कैसे कर्ज लेके पैसे लेके उनको पढ़ाने के लिए यहाँ भेजते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनकी शादी हो चुकी है, उसका जो पति है वो उसी उम्मीद से उसके घर में नहीं बैठा के उसके आगे रखने के कारण उसको पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा गया है। लेकिन रजिस्ट्रार की गलती की वजह से यहाँ पे सारे कॉलेज वालों के 108 कॉलेज वालों ग्वालियर को सारी की मान्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से अलावा अलग यहाँ पे GH में लगभग 1800 बेड है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशियो जाता है 1:3 हॉस्पिटल, यानी कि एक बेड पे 3 बच्चे आते हैं, तो 1800 बेड है तो 5000 बच्चे आते हैं, 5500 बच्चे आते हैं। लेकिन मुरैना में अलग आता है क्या, वहाँ पे 600 बेड है, तो वहाँ पे 600 बच्चे और 600 बेड है, पर बेड एक बच्चे जा रहा है। लेकिन रजिस्ट्रार ने यहाँ गलती कर दी क्या, 1800 बच्चे हैं तो यहाँ से 1800 बेड है GH हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे 2100 बच्चे का ही। हमारी मांग यह है हमारी मांग ये है कि जो ये भ्रष्ट रजिस्ट्रार है, इसका आज हमने पुतला दहन किया है। कौन है, नाम बताओ? इनका नाम है जस्सी फिरिस है, जो अस्थायी रजिस्ट्रार है, वहाँ के लिए वैलिड भी नहीं है। दो दिन के लिए आती है वो, इंदौर में। इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका?
मैं नर्सिंग छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये किस ये सारे कॉलेजों के बच्चे हैं, KS कॉलेज, विजय लक्ष्मी कॉलेज, मतलब टोटल ग्वालियर के 72 नर्सिंग कॉलेजों के बच्चे हैं। कोई सभी कॉलेजों के बच्चे से प्रभावित हुए हैं, ये बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे हैं। इस मांग को लेकर आज हमने पुतला दहन किया है, ये फर्जी रजिस्ट्रार को स्थगित किया जाए, इसके पद से हटाया जाए। कल आप जो ज्ञापन देने गए थे कमिश्नर को, कल हम कमिश्नर को ज्ञापन देने, उसमें हमारी LTM साहब ने वो हमारा लेके उसको कहा कि हमने कमिश्नर साहब से बात की है और हमने उसको फॉरवर्ड किया, पर हमको कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पा रहा है। उसी क्रम में आंदोलन क्रम बढ़ाते हुए आज हमने पुतला दहन किया। कल से हम धरने पर अनिश्चितकालीन फूलबाग मैदान में बैठ रहे हैं। कल सुबह 10 बजे से हमारा धरना चालू होगा और अनिश्चितकालीन रहेगा। अगर कुशीनगर की बात करते हैं, जहां गौशाला की झोपड़ियों में आग लगने से 5 गायें झुलस गई, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि बाकियों का इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि आगजनी की घटना के बाद लेखपाल ने मौके पर जाकर हालात का जायजा भी लिया। संभल के चंदोसी में 2 सिपाहियों की हत्या करने के बाद फरार 3 बदमाशों में से एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बाद से लोगों को सुकून मिला है। सिपाहियों के परिजनों ने भी एक बदमाश के मारे जाने पर राहत की सांस ली है। अभी तक पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन सुनने में आया कि एक को भी गोली मार दिया गया, 2 की तलाश जारी है। पापा के साथ क्या हादसा? पापा तो यहाँ सुबह गए थे, हादसे क्या हुआ अभी तक वो खुलकर सामने आया नहीं है, पता ही नहीं चला पूरी बात हुई क्या है। पुलिस ने बताया कि कोई दादी अम्मा थी उसकी, जिन्होंने वो थैला वगैरह दिया। जी, बदमाशों ने गोली मारी, लेकिन सिर्फ उसमें 2 ही सिपाही थे जबकि 24 कैदी थे, तो उसके अनुसार मानक के अनुसार इतने आदमियों के साथ 5 पुलिस वाले सिर्फ कम थे। विभाग की लापरवाही है, नहीं तो इतना बड़ा सामान वो गाड़ी में गया कैसे? मिर्ची और वो थे तमंचे। जी, कल एक बदमाश को जो है पुलिस ने मार दिया है, क्या चाहते हैं इसके आगे क्या होना चाहिए? और बाकी बदमाशों जिनको थैला दिया उसको क्या होना चाहिए? बाकी जो 2 बदमाश तो वो तो मरेंगे ही, वो तो मारे जाएगा, लेकिन जो वो दादी अम्मा थी उनसे मिलना चाहते हैं हम एक बार, क्योंकि उन्होंने तो वो उन्होंने थैला दिया कैसे? वो इतनी बुजुर्ग महिला सुनने में आया, उनके ऊपर हम खुद मिलना चाहते हैं एक बार उनसे, जैसे उन्होंने हमारी आंखों में मिर्ची डाल के जो उन्होंने करा हम उनका वो करना चाहते हैं। पुलिस की लापरवाही हाँ लग रही है। क्या नाम है आपका? नादर। अभी 2-3 दिन पहले एक हादसा हुआ है जिसमें आपके पति शहीद हो गए, क्या जानकारी मिली थी आपको इस बारे में? हमको जानकारी यही मिली थी कि आपके बेटे को दिया था, कि ये बोला था कि आपके पापा के चोट लग गई है, और उन्हें पूरा भी नहीं बताया गया था, फिर वो घबरा के वहाँ चले गए थे और हमको भी कोई नहीं बताया था कि वहाँ जाकर बताऊंगा मैं। तो 2 लोग आए थे वो बोलने के लिए कि आपके पापा का ऐसे ऐसे चंदोसी में चोट लग गई, ये भी नहीं गया कि वो देहांत हो गए। अब सुना है कि पुलिस एक मुजरिम को पकड़ा गया है और उसकी मतलब उसकी मौत हो गई है, क्या मानती हैं इसको आप? जी मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हो, उसको मारने के लिए जब फांसी लगी थी तो उसको भागने की क्या ज़रूरत थी? काफ़ी सालों के वो रहते हैं मुलजिम। अभी 2 मुलजिम और रह गए हैं, उनके लिए कैसी सजा चाहती हूँ? मैं तो ये चाहती हूँ कि उसके लिए सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दी जाए, ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिल जाओ। बस मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे को भी अनाथ करके चले, मैं ये चाहती हूँ वो जो रह गए उन्हें ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा जाए, जितनी दी जाए वो भी बहुत कम है, उनकी आत्मा को शांति मिले, के हाथ जो अपने बच्चों से कुछ कह सके ना, सुन सके, इंतज़ार कर रहे हैं घर पर अपने के आएंगे आएंगे तो क्या कर सकते।
सर क्या पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही मानती है, जैसे कि 24 जने उसमें जीप में थे और कुल महज 5 लोग जो थे पुलिसकर्मी थे? हाँ कुछ ना कुछ तो था भाई, कैसे अंदर गए? सरिता, सरिता जी जो शहीद हुए कौन थे आपके? मेरे ससुर जी। क्या सुनने में आया था आपको, जैसे आप सबसे पहले पता खबर लगी आपको क्या सुना आपने? हमारे यहाँ दो जेंट्स आए थे, उन्होंने बोला अपने हस्बैंड को बुलाओ आप। मैं बोली मुझे ही बोल दो, मैं उनके बेटे की वाइफ हूँ। बोले नहीं अपने हस्बैंड को बुलाओ। मैं अपने हस्बैंड को बुलाया, वो बाहर ले गए, जो भी बात हुई होगी। मुझे लगा कि कुछ परेशानी है पापा की। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंदर आए, बोले कार की चाबी दो मुझे, बस ले कर चले गए। मैंने पूछा बताओ क्या बात है, बोले नहीं मैं फिर बताऊंगा, पापा का एक्सीडेंट हो गया। हमारे भैया हैं बराबर वाले, वो गए उनके साथ, मुझे मना कर दिया आप घर जाओ। मैं गई भी यहाँ से, फिर मैं पापा के फ़ोन पर कॉल की, वो फ़ोन किसी ने उठाया, उन्होंने तभी बोल दिया कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। उसके बाद अपने आप को संभालना कैसा था हमें खुद को भी नहीं पता, विश्वास भी नहीं हुआ उस चीज़ का। घटना के 3 दिन बाद पता लगा है, इसमें से एक कातिल जो पुलिस कहते चला था उन्हें तो मरना ही था, उन्हें तो अब सजा थी। हम हमारे जो चले गए उसकी पूर्ति उससे कैसे होगी? बाकी जो लोग जो और बचे हैं, जो कातिल बचे हैं, उनके लिए क्या सजा चाहती है? उन्हें तो कड़ी से कड़ी मिलनी ही है। जो चला गया वो तो नहीं ना वापस आएगा, वो तो इसी लायक थे। लेकिन जो हमारा गया है वो उस चीज़ को थोड़ी ना डिजर्व करता था। क्या मानते हैं कि पुलिस की लापरवाही के लिए जिस तरीके से 24 कैदी जो है एक वैन में था, महज 5 पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा दी गई थी, और बीच में कुछ लोग मिले थे, उनके परिवार वाले, कोई महिला मिली थी, जो बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ विस्फोटक और कुछ सामान दिया था, क्या इसमें पुलिस की लापरवाही भी थी? लापरवाही क्यों नहीं थी, जब अंदर एक बीड़ी एक गुटखा नहीं जा सकता तो मिर्च पाउडर लोड की हुई गन कैसे पहुंच गई अंदर? गोली तो 3 ही चलती हैं, अगर वो 3 थे तो कम से कम 8 पुलिसकर्मी थे, 8 को थोड़ी ना एक साथ मार देते, वो कुछ ना कुछ तो पीछे वैन में हुआ होगा। दुलारी देवी। दुलारी देवी जी, अभी कुछ दिन पूर्व आपके बेटे शहीद हुए थे जी, क्या नाम था उनका, क्या सरगी जी क्या घटना हुई थी उनके साथ? मेरे लड़के का बिरजपाल नाम है, और गाड़ी पर चलता था उसकी कैदी हो, बस उन्होंने गुंडों ने गोली मारी मेरा, और मेरा मुझे इस नाप चाहिए मेरे लाल को। जैसे पता चला उसमें एक कमल नाम के जो आरोपी था जी, उसका रात का पता चला, मुझे रात आए थे मीडिया वाले, रात एक कमल नाम का वो ख़त्म हो गया। मुझे साफ चाहिए मेरे लड़के के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो उस बुढ़िया को वो चाहिए, वो जब दे रही है दूसरों की गोद उजाड़ रही, अच्छा नहीं कर रही। मैं भी इतनी, वो भी तो तड़प है इतनी जितनी मैं तड़प रही रात दिन। उन्होंने थैला दिया बतावा 3, उसमें मिर्ची पाउडर बतावा थे, अब जो होते हैं कास्तूर वगैरह वे बतावा थे। एक माँ वो है, एक माँ हम तड़प रहे, एक माँ वो गलत काम सिखा रही, वो अच्छी बात है, ये देश के लिए सबके लिए, मेरे लिए नहीं है, ये देश की माँ सबकी माँ होती है। सर मुझे जब ही वाह होगा, जब जिसने वो मिर्ची पाउडर दिया वो दिया उसकी और हो वो, और ये तीनों ही बहुत जमा क्या है, मैंने लिया उम्र कैद हो कुछ भी हो, मुझे यो चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सुधा नाम है मेरा। अभी कुछ दिन पहले आपके भाई को जो है कुछ बदमाशों ने शहीद कर दिया था, क्या घटना हुई थी? साहब वो ड्यूटी गए थे कैदियों के साथ गए थे, और गोली मार दी गुंडों ने, नहीं पता क्या हुआ था। फिर ब्रजपाल जी आपको कौन लगते हैं? ब्रजपाल मेरे भाई थे छोटे। अब आपके भाई दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कातिल है
उसमें से एक को पुलिस ने मार दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के और आगे क्या चाहते हैं? आगे भी ये चाहते हैं जैसे ये गए वो भी सब ऐसे जाए जो हमारे भाई गए। और जैसे कि पुलिस ने एक बदमाश को मारा, बाकी अभी दो बदमाश भागे हुए हैं, इसके लिए क्या कहेंगे पुलिस से, क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे जैसे ये गए एक वो भी दोनों ऐसे जाए जैसे हमारे भाई गए। अच्छा एक अभी आपने एक बात बताइए, किसी महिला ने उन्हें जो एक मिर्ची का थैला दिया था, दो थैले दिए थे, उसके बारे में क्या कहना है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस महिला को? उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रामपुर के गांव मदारपुर राष्ट्रीय एकता दंगल चल रहा है जिसमें देश के कोने कोने से पहलवान भाग ले रहे हैं। आज भी कई पहलवानों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। आज हुई कुश्ती में चार पहलवानों ने 3100 का इनाम जीता है। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप शास्त्री, पहलवान हरिद्वार खड़ा बाबा राम जी। जी सर, यहाँ पर क्या चल रहा है सर? ये राष्ट्रीय एकता दंगल है नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत। जी तो सर, आज कुश्ती किस चीज की हुई सर? आज जो बड़ी कुश्ती हुई, गुलाम पहलवान भी है सब जम्मू और जग्गा पहलवान पंजाब। अच्छा, और सर? और दूसरी कुश्ती हुई मौसम अली पहलवान और विनोद पहलवान। सर कितने कितने की कुश्ती हुई? ये बड़ी जो कुश्ती हुई 21,000 रुपए की और मौसम अली की 11,000 रुपए की और 2100-3100। सर आपकी कुश्ती किससे हुई थी? मेरी कुश्ती राजस्थान के पहलवान से। कितने की हुई थी सर आपकी? हमारी कुश्ती तो बनी कुश्ती हुई, कोई नाम। थैंक यू सर।